एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पी डॉट प्रियाबीडी सीक्रेट्स। आई होप यू ऑल वेल। सो आज जो मैं वीडियो आप सबके लिए लेकर आई हूँ, इसमें मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि मेरे पास कौन कौन से मेकअप ब्रशेज अवेलेबल हैं और मैं किस तरीके से उनका इस्तेमाल करती हूँ। तो वो काफ़ी सारे हैं, फिनोवो के हैं और ल्यूरसन्स के हैं, वेगा के हैं और सम रैंडमली ब्रशेज हैं, नेक 3 के भी हैं। सो मैं आपको वो सारे ब्रशेज दिखाऊंगी कि मैं किस तरीके से कौन कौन से इस्तेमाल करती हूँ या उन ब्रशेज की क्वांटिटी कितनी है, वो मार्केट में कितनी क्वांटिटी पीसेज में अवेलेबल होते हैं, तो आप सबको एक आइडिया मिल जाएगा मेकअप ब्रशेस का। सो चलते हैं वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। ये है सारी ब्रशेज जो कि मेरे पास अवेलेबल है, जो कि मैं पार्लर में भी इस्तेमाल करती हूँ, जो कि मम्मी भी पार्लर में इस्तेमाल करते हैं। तो अभी हम आप देख सकते हैं ये फिनोवो के और वेगा के ब्रशेज हैं, ये क्लब फैक्ट्री से मैंने मंगवाए थे वो हैं, और ये ल्यूरसन्स के ब्रशेज हैं मेरे पास, और आप देख सकते हो ऊपर की तरफ ये नेक 3 के ब्रशेज हैं, और ये सम रैंडम ब्रशेज हैं, और ये ओवरऑल मेरे पास टोटल ब्रशेज हैं अवेलेबल हैं जो कि। तो अब मैं आपको इन सबकी डिटेल्स बताऊंगी और सबके प्राइस आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, और अगर आप इनको देख खरीदना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो सबसे पहले हम लेते हैं ये वेगा के और फिनोवो के ब्रशेज़। तो इसमें ये जो दो वेगा के ब्रशेज़ हैं ये वुडन के हैं, इसमें एक फ़ैन ब्रश है और एक फ्लैट ब्रश है, स्मॉल फ्लैट ब्रश। तो ये बफर ब्रश है, ये भी वेगा का ही है। वेगा के ब्रशेज़ पे लिखा भी होता है कि ये ब्रश किस चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाता है हम लोगों को इस्तेमाल करने में ब्रशेज़ को, क्योंकि नॉर्मली आपने देखा होगा कई ब्रशेज़ पे नहीं लिखा होता, जैसे कि ये फिनोवो के ब्रशेज़ हैं इन पर नहीं लिखा हुआ। और ये आप देख सकते हैं ये सारे फिनोवो के ब्रशेज़ हैं, और इसमें ये 4 ब्रशेज़ सिर्फ वेगा के हैं, एक फ्लैट ब्रश, बफर ब्रश और 2 वुडन वाले वेगा के ब्रशेज़। तो आप ये देख सकते हैं ये बहुत ही अच्छा ब्लशर ब्रश है और ये यूज्ड है, तो आप देख सकते हैं इनका जो टेक्सचर है वो इतना ज़्यादा खास नहीं है, पर ये ठीक है। अगर आप लोग बिगिनर्स हो तो आप इसको यूज़ कर सकते हो, ये आपका बहुत ज़्यादा हेल्प करता है ये ब्रश ब्लेंडिंग में भी और कॉन्ट्यूर में भी, अगर आपको नोज़ वगैरह की कॉन्ट्यूरिंग करनी है। ये आपके फ़ैन ब्रशेज़ हैं, आप इन दोनों ब्रशेज़ को अलग से भी परचेज कर सकते हो या फिर सेट के साथ भी आते हैं। ये हैं स्मॉल ब्रशेज़ जो कि काफ़ी सारी चीज़ों में इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि आई शेडोज़ में, कॉन्ट्यूर में या फिर ब्लेंड करने में। आप देख सकते हैं ये फिनोवो के हैं, और ये रेस्ट ये सारे फेस ब्रशेज़ हैं जो कि लार्ज हैं, लार्ज फेस ब्रशेज़ हैं ये सारे, जो कि कॉन्ट्यूरिंग में, ब्लशर में, फेस पाउडर को लगाने में, लूज़ पाउडर को सेट करने में या फिर कॉम्पैक्ट पाउडर लगाने में आते हैं। अब ये हमारा नेक्स्ट है, ये मैंने क्लब फैक्ट्री से मंगवाया था ये सेट, और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है क्योंकि ये दिखने में बहुत सुंदर लगते हैं, और ये जो है इसका ये एंगल ब्रश है तो इसका टेक्स्चर भी थोड़ा सा हार्ड है, ताकि अगर हम आईब्रो फिलिंग या कुछ भी करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से और इवनली हो जाती है। आप देख सकते हैं ये चलने में भी बहुत अच्छा है, और इनका जो एंड में डिज़ाइन बने हुए हैं वो बहुत ही ज़्यादा प्रिटी हैं, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगते हैं। कुछ यूनिक अगर आप ब्रशेज़ देखना चाहते हैं तो ये उसमें काफ़ी अच्छा लगता है, लेकिन ये यूज़ करने में थोड़े से हैवी होते हैं एंड से, तो इतने ज़्यादा हैंडी नहीं होते ये, तो आपको थोड़ा सा हैवी लग सकता है यूज़ करने में। इसमें सिर्फ 5 ब्रशेज़ ही आते हैं, वो भी स्मॉल सारे, आई शेडोज़ के लिए या फिर कॉन्ट्यूर के लिए, नोज़ कॉन्ट्यूरिंग के लिए फ्लैट ब्रशेज़ आता है इसमें एक, ये सिर्फ इसमें 5 ब्रशेज़ आते हैं जो कि आपको क्लब फैक्ट्री से इजीली मिल जाएंगे। वहाँ पे बहुत सारी वैरायटीज़ है, आप डिज़ाइंस देख सकते हैं इसका, ये ड्रैगन डिज़ाइन के थे ये ब्रशेज़, इसके साथ ये बैग भी इसी के साथ आया हुआ है। ये थे क्लब फैक्ट्री के ब्रशेज़, और अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट ब्रशेज़ पर, ल्यूरसन्स के ब्रशेज़। ल्यूरसन्स के ब्रशेज बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, आपने मोस्टली वीडियोस में नेचुरल्स ब्यूटी वर्ल्ड पे इनको यूज़ करते हुए देखा होगा। इनका टेक्सचर बहुत ही ज़्यादा ऑसम है, जब हम हाथ में इसको हाथ पे भी लगाते हैं या फिर फेस पे इस्तेमाल करते हैं तो बहुत ही प्रीमियम लुक देता है, ये प्रीमियम लगता है लगाने में भी, बहुत ही सॉफ्ट है, और आप देख सकते हैं ये किस तरीके से मूव होता है। आप अगर कॉन्ट्यूरिंग या ब्लशर के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसको इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो जाते हैं। लेकिन इसमें 9 ही ब्रशेज़ आपको मिलते हैं, 9 ब्रशेज़ का सेट मिलता है आपको इसमें, आपको लाइनर ब्रशेज़, स्मॉल ब्रशेज़ सारे मिलते हैं मोस्टली, और ये आप देख सकते हैं ये एंकल्ड ब्रश है,
इन ब्रशेज़ की खासियत ये है, इन सब पे आपको रिटर्न मिलता है, लिखा हुआ मिलता है कि ब्रशेज़ किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो इस पे ल्यूसेंस का नाम भी होता है कंपनी का, और इस पे लिखा भी होता है कि किस चीज़ के लिए हैं। तो ये काफ़ी अच्छे ब्रशेज़ हैं, और ये फेस ब्रशेज़ है जो बड़े हैं, ब्लशर ब्रशेज़। तो ये थे हमारे ल्यूसेंस के ब्रशेज़। आप ये देख सकते हैं, ये है एक हमारा कॉन्ट्यूर ब्रश, आप इसको ब्लशर में भी यूज़ कर सकते हैं, और वो है हमारा पाउडर ब्रश। और आप ये देख सकते हैं, ये जो फ़ैन ब्रश है ये मैंने क्लब फैक्ट्री से ही मंगवाया था, ये इस ब्रश में गलती से आ गया ब्रश सेट में, ये अलग से है, आप इसको भी देख सकते हैं, क्लब फैक्ट्री पे मिल जाता है इजीली। ये आप देख सकते हैं, ये आईलाइनर ब्रश, और ये है राउंड फ्लैट ब्रश जो कि बहुत ईजी होती है क्रीज लाइन वगैरह पर लगाने के लिए। और ये है हमारा ब्लेंडिंग ब्रश, इसमें जो दिया हुआ है हमें कट क्रीज एरिया पर अच्छे तरीके से ब्लेंड करने के लिए। काफ़ी सारे ब्रशेज़ हैं इसमें, स्मॉल ब्रशेज़ भी बहुत अच्छे हैं, सिर्फ इसमें 9 ब्रशेज़ आते हैं आपको, और सारे ही यूज़ वाले होते हैं, कोई भी वेस्ट नहीं होता इसमें, सबको आप इजीली इस्तेमाल कर सकते हो, और आपको ज़्यादा टेंशन भी नहीं होगी कि कौन सा ब्रश कैसे इस्तेमाल किया जाए, तो आप इनको चेक कर सकते हैं। अब लास्ट में हमारे नेक 3 के ब्रशेज़, और ये ओरिजिनल नहीं है, ये फेक है, पर ये बिगनर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। ये 12 ब्रशेज़ का सेट आता है ये, और काफ़ी अच्छे होते हैं ये, इनका जो टेक्स्चर है वो भी थोड़ा स्मूथ होता है, इतना ज़्यादा हार्श नहीं होता कि इनको यूज़ ही नहीं करा जा सकता। ये आप देख सकते हैं, इसमें एक मस्कारा ब्रश भी आता है, इन पे लिखा नहीं होता कि कौन सा ब्रश किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है, तो थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है उसमें। मैं आगे एक और वीडियो बना दूंगी जिसमें मैं आपको डिटेल में समझा दूंगी कि ये ब्रशेस किस तरीके से इस्तेमाल हो सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही अच्छे हैं बिगनर्स वगैरह के लिए, या कोई जो पार्लर कोर्स सीख रहे हैं अभी स्टार्ट कर रहे हैं उन सब के लिए। ये सम रैंडम ब्रशेज़ हैं, ये थोड़े बहुत रैंडम ब्रशेज़ हैं जो कि पार्लर में इस्तेमाल हो जाते हैं। कई ऐसे हैं जो कि किट्स के साथ आए हैं, कई आई शेडो पैलेट्स के साथ आए हैं, कई हमने खरीदे हुए हैं एक्स्ट्रा में ही। जैसे ये बिंदी का, पहले कुमकुम बिंदी लगाने के लिए भी ब्रशेज़ आते थे, ये वेगा का है कुमकुम बिंदी लगाने का, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। आप देख सकते हैं इसका पॉइंट भी बहुत ज़्यादा शार्प है, बहुत ही ज़्यादा ईजीली बन जाती थी इससे कुमकुम बिंदी, और आप इसका पॉइंट देख सकते हैं कितना अच्छा है, एकदम शार्प। और ये कई लिपस्टिक ब्रशेज हैं, जैसे कि ये लिपस्टिक ब्रश है, काफ़ी अच्छा लिपस्टिक ब्रश है, इससे एकदम से लाइन अच्छी बनती है, आउटलाइन बहुत सुंदर बनती है। ये थे ये सारे रैंडमली ब्रशेज़। अगर आप बिगनर हो, या फिर आप पार्लर चलाते हो, या फिर आप सीख रहे हो मेकअप करना, तो आप इन सब ब्रशेज़ को इस्तेमाल कर सकते हो। इनके रेट्स भी इतने हाई नहीं हैं, ल्यूसेंस ब्रशेज़ काफ़ी ज़्यादा प्रोफेशनली हो जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, उनका रेट सिर्फ थोड़ा सा हाई है, जो कि है 999 रुपये, बाकी सब बहुत ही ज़्यादा रीजनेबल प्राइस पे अवेलेबल है, तो आप उनको देख सकते हैं, लिंक के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें। आई होप आप सबको मेरा ये मेकअप सेट कलेक्शन पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को मेरा मेकअप सेट कलेक्शन पसंद आया है, और मेरी ये वीडियो पसंद आई है, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट करना ना। थैंक यू वेरी मच, टिल देन बाय, टेक केयर, नमस्ते।